बहू, हमने तुमसे कहा था ना कि तुम अकेले में जाके ढूंढो, तुम्हें मिल जाएगा। कई ऋषि मुनियों को तो अकेले में ज्ञान मिल गया, फिर तुम्हें लोटा कैसे नहीं मिलता? वैसे अम्मा जी, मैं जानती हूँ कि आप इस सब से क्या कहना चाहती हैं, कि आपके हिसाब से ये लोटा मैंने छुपाया था ना। अरे नहीं नहीं, बल्कि तुमने तो लोटा ढूंढा है बहू। हमारे बनारस में एक कहावत है। अरे फिर तो जल्दी से सुनाइए। जिज्ञासु की खोज का नहीं कोई अनुमान, सच्चे दिल से ढूंढो तो मिल जाए भगवान। फिर तो ये लोटा है बहू, है कैसे नहीं मिलता? नहीं तो प्रिया, तुमने लोटा क्यों ढूंढा? Are you feeling all right? अगर मैंने ये लोटा नहीं ढूंढा होता ना, तो तुम्हारी अम्मा जी को लगता कि ये लोटा मैंने ही छुपाया, और वैसे भी उन्हें अभी भी यही लगता है कि लोटा मैंने ही छुपाया था। और तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो कि मैंने क्यों ढूंढा? मेरा प्लान फेल हो गया ना। प्लान? कौन सा प्लान? बेबी, मैं लोटा ढूंढ के दे देता ना, सिंपल हो जाता। तुमने लोटा भी ढूंढा, फिर भी तुम्हें ताने पड़ रहे हैं। सुबह क्या फर्क पड़ता है? देखो, आई ऑलरेडी एक्सेप्टेड द फैक्ट कि तुम्हारी अम्मा ना कभी नहीं बदलने वाली, और ये बात मुझे पता है। पता है? कुछ पता नहीं है। जब अम्मा जी को पता लगेगा ना कि वो लोटा असली चांदी का नहीं है, तब पता लगेगा। और अभी कह रही है पता है। क्या करूँ उसका, क्या करूँ उस लोटे का? बेटा तू एक काम कर, अपनी अम्मा को सब सच सच बता दे। हाँ, सब सच सच बता दो, मतलब अपने हाथ पे बॉम्ब रखकर उसमें आग लगा दो। बाबूजी, एक बात सोच लीजिए, अगर अम्मा जी को लोटे की सच्चाई पता लगी तो सबसे पहले इस घर से आप चलते बने, उसके बाद प्रिया घर छोड़ के चली जाएगी, फिर अम्मा जी बनारस चली जाएंगी। तो आप सोच लीजिए क्या चाहते हैं। आप सिर्फ ये सोचिए कि हम ऐसा क्या करें कि अम्मा जी को लोटे की असलियत ना पता लगे। क्या क्या गाने सिखाते रहते हैं बेटा? हमारी पीठ थपथपाने की बजाय पहले ये लोटा कहीं छुपा लो, कब से हाथ में लेके घूम रहे हो, वरना तेरी अम्मा को पता चल जाएगा ना, फिर एक और कहानी बना ले। अब ऐसे डराया मत कीजिए। गोलमाल गोलमाल, एवरीथिंग गोना बी गोलमाल। क्या कर रहे हो? छुपा रहा हूँ। क्या? लोटा। लोटा? मेरा मतलब है लोटा भी कोई छुपाने की चीज है क्या? ये बात ना तुम अपनी अम्मा से कहो, जिन्होंने लोटा अपने कबर्ड में बंद करके ताला लगा दिया था। वैसे मुझे लगता है ये लोटा जरूर किसी ने छुपाया है। तुम्हें क्या लगता है किसने छुपाया होगा? मैंने। तुमने? मेरा मतलब मैंने थोड़ा ना छुपाया, बेबी मुझे क्या पता किसने छुपाया था। मुझे पता है किसने छुपाया था। किसने? अम्मा जी ने। अम्मा क्यों छुपाएंगी, वो तो ढूंढ रही थी लोटे को, ताकि उन्हें मुझे ताना देने का एक और मौका मिले, जिससे उनका हीमोग्लोबिन बढ़ता है। बेबी, अम्मा ऐसा नहीं कर सकती। हेलो, क्यों नहीं कर सकती? वो तुम्हारी अम्मा है, वो कुछ भी कर सकती है, क्योंकि वो सिर्फ अम्मा नहीं है, वो तो सुपर अम्मा है, सुपर अम्मा। और वैसे भी हर सास का काम होता है अपनी बहू की सास रोकना। बेबी रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, ओके? मतलब एक लोटा घूम गया था, अम्मा को चाहिए था, तुमने ढूंढ दिया, खत्म हो गई बात। लेकिन जब अम्मा ने लोटा छिपाने का इल्जाम मुझ पर लगाया, तब तुमने कुछ क्यों नहीं कहा? अम्मा ने लोटा चोरी होने का इल्जाम तुम पर लगाया? मैं बात करता हूँ अम्मा से, मैं आई विल क्लियर इट आउट, डोंट वरी। वाह, मेरे शेर, टाइगर जाग गया। लल्ला। आया अम्मा। एक बार फिर टाइगर को चूहा बनते देख रही हूँ। जाओ लल्ला जाओ, बुलावा आया है, अम्मा ने बुलाया है। पता नहीं क्यों बुलाया है, मैं जाके देखता हूँ। बहू, तूने इतना बड़ा झूठ बोला हमसे, इतना बड़ा धोखा दिया। नहीं माँ जी, मैं बेकसूर हूँ, मुझे नहीं पता था कि लोटा नकली है, मुझे नहीं पता था माँ जी। एक्सीलेंट, ओह विद्या जी, ओ आप छा गए। मैडम, अपन एक्सीलेंट। चलो विद्या जी लाइए, मैं आपको सीधा समझाता हूँ। असील ये है विद्या जी, वो नकली लोटे वाली जो टेंशन है ना, वो घर में चारों तरफ एटमॉस्फेयर में छाई है, चारों तरफ। और आपकी सास जो है, उसका मूड उखड़ा हुआ है, और आपका दिल जो है, वो टूटा हुआ है। आपके पति यूं चुप खामोश रहे हमेशा की तरह। मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, मैं चाहता हूँ ये सारा सीन में वन शॉट में लूं। सर आपकी तबीयत तो ठीक है, ये दो पेज का सीन है, मैं तो फिर भी कर लूंगी, लेकिन आप कैसे करोगे? मैं कैसे करूंगा? मैं कोई बस कंडक्टर हूँ।
मैं डायरेक्टर हूँ डायरेक्टर, ये बात अलग है कि मैं फिल्मों से बदकिस्मती सीरियल में आया हूँ। आपको तो सिर्फ सोचना है, बोलना तो मुझे है ना, आपकी हीरोइन को। I'm so sorry, sir. ये बहुत लंबा सीन है। I can't do it, sir. I'm really sorry. Eddie? Yes, sir. अच्छा। कुशल साहब जो है हमारे हीरो, उन्हें जाके गुड न्यूज दो। क्या सर? लाइने उन्हें बांट दो। जाओ। लाइने? उन्हें लाइने दे दो। लंगर बट रहा है क्या? आप किसी को भी लाइन दे दोगे क्या सर? सर, मैं आपकी शो की हीरोइन हूँ। 8-8 पेज की लाइन्स मैंने यू रट के बोला है, आपको तो पता है सर। बस मैं आज थोड़ी थकी हुई थी, पर नो प्रॉब्लम सर, ये दो पेज के लाइन्स मैं ही बोलूंगी सर। एडी यस सर। ओ लाइन कैंसिल, हीरो को बुला। यस सर। मैंने हीरो को बुलाने के लिए कहा था, अबे लोटा कहां से ले आया जमाल गोटे, मैं अपने बाल लोचूं। सर आज का हीरो तो ये लोटा ही है ना, एकदम सही कहा। है सर, मैं वहां आ रहा हूं। है बिल्कुल सही कहा उसने सर। अरे मुझ में और इस लोटे में फर्क ही क्या है, मैं हीरो हूं, हीरो, और वो लोटा वो भी हीरो है, और हम दोनों के बगैर ये शो बन ही नहीं सकता। ना वो लोटा कुछ बोलता है और ना मैं कुछ बोलता हूं। जिप। वो लोटा भी चमकता है और यहां यहां मेरे डोले भी बहुत चमकते हैं, कुछ बोलते नहीं है। ओए ना, ओए ना, ओए रुलाएगा क्या मुझे? चल तुझे दे दिया। क्या दे दिया? डायलॉग दे दिया मुझे। अरे मुझे डायलॉग दे दिया। डायलॉग नहीं यार, लोटा दे दिया। और यार शूटिंग के बाद ना इस लोटे को आराम से अपने घर पे लेके जाना, अपने दिल की बातें शेयर करना, तुझे दे दिया। हाउ स्वीट। अब शूट करें, आपकी हीरोइन रेडी है सर, बस आपको मैं छोटी सी हेल्प करनी है। आप हुकुम करो। मेकअप दादा कहां से? हीरो की सर। ओए मधुमक्खी ये क्या है? मेरे आंसू है सर। तो जैसे आपको पता है ये ग्लिसरीन है जिसे लगाकर मैं नकली आंसू बहाती हूँ। बस आप मुझे ये बताइए कि इस सीन में कितने आंसू बहाने हैं। अगर बहुत सारा रोना है तो ये जो बड़ी वाली बॉटल है ना, हाँ वो ही वाली, वो यूज करूंगी मैं। और अगर इतना सा रोना है तो वो छोटी वाली बॉटल है ना, वो यूज करूंगी। तो कितना रोना है सर? ये छोटे वाले से ही काम चल जाएगा। नहीं लल्ला, ऐसे काम नहीं चलेगा। अरे अपने बनारस में कहावत है ना, तुरंत दूर भगाएं जो मन में हो कोई शंका, जलाकर राख करें संदेह की पूरी लंका। तो लल्ला अब लंका दहन तो होके रहेगा। अब अम्मा जी को क्या बताऊं, अगर लंका दहन हुआ तो आग मेरे ही घर में लगेगी। आज हम सुनार के पास जाके ये पता लगा के रहेंगे कि ये लोटा असली चांदी का है या नकली है। अम्मा आप क्यों तकलीफ करेंगी, ये लोटा असली चांदी का या नकली ये पता मैं ही करा लूंगा। नहीं 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 लल्ला, 20/20 40 होता है ये हमें अच्छी तरह से पता है। मतलब ब्याह के बाद बेटा अम्मा का लल्ला नहीं अपनी पत्नी का दुमछल्ला हो जाता है और उसी की साइड लेता है। अगर ये लोटा नकली निकला तो तुम हमें सच्चाई थोड़ी ना बताओगे, क्योंकि ये लोटा तो बहू के मायके से आया है, इसलिए हम खुद ही जाके चेक करवाएं। बिल्कुल सही कहा लल्ला की अम्मा, इसका क्या भरोसा, ये नकली लोटा ले जाके असली लोटे में तब्दील करके लिया है। बाबूजी देखो लल्ला की अम्मा एक काम करो, वैसे तो हम अपनी पत्नी की साइड ले लेंगे, हम ही चेक करते थे, ये लोटा हमें दे दो। ऐसा है, हमारी हथेली पे हल्दी मलने की कोशिश मत कीजिए। आप अपनी पत्नी का नहीं अपने बेटे की पत्नी का साइड लेंगे, इसलिए हीरा लाल ज्वेलर के पास हम खुद जाएंगे और चेक कराएंगे। लल्ला गाड़ी का इंतजाम करो। ये आपने सही डिसीजन लिया, हीरा लाल ज्वेलर के पास अगर आप जाओगे तो आपको पक्का बता देगा कि ये असली है या नकली, और पहुंचा हुआ ज्वेलर है वो। मैं गाड़ी का इंतजाम करा देता हूँ। हम ये लोटा अलमारी में रखते हैं। हाँ राजू बेटा जरा इधर सुन, हीरा लाल का नाम लेती चेहरा बड़ा हीरे जैसे चमक रहा है, क्या 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 प्लान क्या है? अब आप देखना कैसे नकली लोटे को मैं असली लोटे में तब्दील कर दूंगा, वो होगा क्या? क्या हुआ? आप चुप रहिए, मैं हाथ जोड़ रहा हूं। मैं तो चुप रहता हूं लेकिन बता देना। नहीं करके बताऊंगा। साइलेंस एक्शन।
बिंदिया, तुम धोखेबाज हो। बिंदिया, तुम झूठी हो। इतना बड़ा धोखा कर दिया हमारे साथ, नकली चांदी का लोटा दे दिया हमें। नहीं नहीं, मैं बेकसूर हूँ, मेरा यकीन कीजिए, प्लीज आप कुछ बोलिए ना, समझाइए ना सब कि आपकी विद्या का कोई कसूर नहीं है, समझाइए ना सबको, समझाइए ना। सर, सुना आपने? अब तो बिंदिया भी चाहती है कि मैं कुछ बोलूं। एक डायलॉग दे दो ना। मैं बोल देता हूँ। सर, मेरी माँ मेरे डायलॉग सुन लेगी तो उसे चैन मिल जाएगा। अरे हीरो साहब, आप सिर्फ एक्सप्रेशन दे, एक्सप्रेशन, सजेशन नहीं। कट, वन मोर, साउंड, कैमरा, एक्शन। कह दो, बोल दो, बता दो सबको कि आपकी बिंदिया झूठी नहीं है, कि आपकी बिंदिया धोखेबाज नहीं है। और अगर आपको लगता है कि आपकी बिंदिया झूठी है, धोखेबाज है, तो दे दो मुझे कोई भी सजा, मुझे आपकी कोई भी सजा मंजूर है, मंजूर है मुझे आपकी कोई भी सजा। करें। हेलो तन्वी। यस सर। हीरालाल ज्वेलर्स है ना, वहाँ पर एक छोटी यूनिट लेके जाओ शूटिंग के लिए। लेकिन क्यों सर, वहाँ तो हमारा कोई सीन नहीं है। अरे मेरी पूरी बात तो सुनो। ओके सर। Got it? Oh, okay sir, okay sir. Good. राजीव जी, आपने मेरी दुकान की इतनी अच्छी एड बनाई थी ना कि शादियों के सीजन में मेरी दुकान में बहुत सेल हुई। Very good. राजीव जी, आप कैसी बात करते हैं, एक घंटा? एक घंटा नहीं राजीव जी, आप पूरा दिन मेरी दुकान में शूटिंग कीजिए बेफिक्र होके। थैंक यू राजीव जी, मुझसे यही उम्मीद थी। तन्वी, हाथ धो लो। ये आपके स्टाफ के साथ काउंटर के पीछे खड़े रहेंगे। अब तुम्हें करना है, मेरी अम्मा जी आएंगे एक लोटा लेकर, और लोटा देना उनके हाथ में, तुम्हें ये लोटा देना है और बोलना है मैंने अच्छी तरह चेक कर लिया है, ये लोटा असली चांदी का है, असली चांदी का है, असली चांदी का है। बोल के दिखाओ। अम्मा जी, ये लोटा मैंने अच्छे तरीके से चेक किया है, असली चांदी का है, ये असली चांदी का। मैं धर्म जी को बुला लेता, लेकिन मैंने तुम्हें बुलाया। अच्छा, तुम अपनी तरह बोलो। पहले बोलना चाहिए। अम्मा जी, मैंने लोटा अच्छी तरह से चेक किया, असली चांदी का है, असली चांदी का, असली चांदी का। वेरी गुड। अब जाओ, सब चुप जाओ, सेट कर दो सब। हाँ, सब किसी को पता नहीं लगना चाहिए यहाँ पे शूटिंग हो रही है, समझ गए सब लोग? राजीव जी, एक बात पूछनी थी आपसे। पूछिए ना हीरालाल जी। शूटिंग हो भी रही है यहाँ? हाँ, ये गोरिल्ला शूट है। गोरिल्ला? सरप्राइज शूटिंग। शूटिंग हो भी रही है और किसी को पता भी नहीं है। अच्छा अच्छा, पता भी नहीं। हम लोग अंदर आ रहे हैं। ओए, रेडी सब रेडी। आइए आइए, नमस्कार माताजी, आइए बैठिए। माताजी, माताजी किसे कह रहे हैं हीरालाल जी? हम तो आपसे 2-4 साल ही तो बड़े हैं। सॉरी दीदी, आइए बैठिए। जीजा जी को कौन पूछे? अरे जीजा जी, आप भी आइए, कहिए क्या सेवा करें हम आपकी। आइए बैठिए जीजा जी, आइए बैठिए, बैठिए बैठिए, आप भी बैठिए। ये देखिए, ये लोटा है, इसे चेक करके बताइए कि ये असली चांदी का है या इस लोटे में कोई खोट है। बिल्कुल, अभी चेक करवाते हैं। अरे एक्टर, 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 असल में उसका नाम अख्तर है ना, तो इसलिए अख्तर बेटा इधर आओ ना। ये लोटा अंदर लेकर जाओ और तुरंत वापिस आकर बताओ कि ये लोटा दीदी को असली चांदी का है, असली चांदी का है, असली चांदी का है। क्या कह रहे हैं हीरालाल जी आप? वो क्या है ना कि ये लोटा देखते ही ना बिल्कुल असली चांदी का लगता ना, तो इसलिए निकल गया कि असली चांदी का है। जा बेटा। दीदी कहिए, मैं आपके लिए क्या मंगवाऊं, चाय वगैरह? नहीं नहीं नहीं, ठीक है। जीजा जी को तो पूछ ही नहीं रहे कि क्या चाहिए, चाय पानी। जीजा जी, आप क्यों चिंता करते हो, आपके लिए तो चाय के साथ नाश्ता भी मंगवाते हैं। बोलिए क्या लेंगे आप? चाय
और मलाई वाली। ओह मलाई वाली, बिल्कुल अभी मंगवाते हैं। ओ छोटू बेटा दो चाय लाना ना, मलाई वाली। जीजा जी आए हैं ना, ला अभी आ रही है, आप बैठिए अभी चेक करके लाता, ठीक है? लल्ला की अम्मा, हाँ। तुम सच सच दिल पर हाथ रख के बता, तुम क्या चाहती हो, लोटा असली निकले या नकली निकले? लोटा लोटा लोटा, पता नहीं ये लोटा मेरी सासू माँ के सिर पे कहाँ से सवार हो गया है। एक पुराने से लोटे के लिए पूरे घर को अपने सिर पे उठाए बैठी। मुझे तो लगता है कि उनके लोटे में, मेरा मतलब है कि उनके दिमाग में कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है। प्रिया, सिम्टम्स तो बहुत ही बुरे हैं। सिंपल सी बात है यार, अगर कोई सास कुछ टाइम तक छोटे मोटे पटाखे ना फोड़े ना, तो समझ ले कि बॉम्ब फोड़ने की तैयारी में। चल एनीवेज, तो टेंशन मत ले, मैं चलती हूँ, तू बैठ और अपना ध्यान रख। थैंक्स, टेक केयर। या दिल डूब जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। क्या हुआ मम्मा? कुछ नहीं हुआ। अम्मा जी, मैंने अच्छी तरह से चेक कर लिया कि ये लोटा असली चांदी का है, असली चांदी का है, असली चांदी का है। लल्ला की अम्मा, हम समझ रहे तुम क्या सोच रही हो। तुम यही सोच रही हो ना कि ये लोटा अचानक से नए लोटे की तरह इतना चमचमा क्यों रहा है? भैया, ये लोटा अचानक नए लोटे की तरह क्यों चमचमा रहा है? क्योंकि ये नया है। नया? ये नया? नया है, नया है। लल्ला लल्ला ला ला ला, ये लोटा ला, ये तो नया है। हाँ हाँ, अरे ये अभी लोटा लेके गया था ना चेक करने के लिए कि असली है कि नकली है, तो थोड़ा उसने जरा जरा चमका दिया है, तभी तो इतना टाइम लग गया। क्यों? हाँ हाँ, चलो लोटा तो असली चांदी का ही निकला। क्यों? बिल्कुल हाँ। लल्ला की अम्मा, तुम यही सोच रही हो ना कि ये लोटा असली निकला? हाँ। अगर ये असली निकला तो फिर जिंदगी भर बहू को ताने कैसे दोगी अब? और घबराओ नहीं, तुम्हारे बनारस में कहावत है ना, क्या हुआ जो हार हो गई एक बार, जिंदगी में मौके मिलेंगे बार 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 बार। ऐसी कोई कहावत नहीं। लल्ला की अम्मा, तुम बाहर गाड़ी में बैठो, मैं जरा इसे पॉलिश का पैसा दे के आता हूँ। आ जाओ आ जाओ, जल्दी आना। हाँ, दो मिनट में आता हूँ। हाय, कितनी सुंदर डिजाइन है। लल्ला की अम्मा, हम जब बाद में आएंगे ना, तो हम आएंगे शॉपिंग करने के लिए। अच्छा अच्छा, अरे हटो भैया। नौकर भी जो है ना, बड़े अच्छे कपड़े आजकल पहन रहे हैं। चलिए चलिए, चलो पैकअप पैकअप, सामान निकालो अपना, हो गया शूटिंग खत्म, शूटिंग खत्म। बाबूजी, आपने फंसा दिया था ना? अरे निकाल भी तो दिया, अब प्लान तो कामयाब हो गया ना। बस ये क्या, ये तो हमारा लोटा है ही नहीं। हमने तो अपने लोटे पे नाम लिखवाया था, इसमें तो नाम है ही नहीं। लगता है गलती से किसी और का लोटा हमें थमा दिया है। अभी देख, ये रहा आपका लोटा, कैसा लगा मेरा परफॉर्मेंस? वेरी गुड, पैकअप है अभी, जाओ 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 पैकअप। अरे बाबूजी, वैसे कमाल का आइडिया था ना, जैसे नकली को असली में बदल दिया। अब अम्मा को कभी पता नहीं लगेगा कि प्रिया के घर से जो लोटा आया था वो पीतल का था, चांदी का पानी चढ़ा हुआ, जिसे हमने असली लोटे में बदल दिया। अगर तेरी अम्मा को ये पता चल जाता ना कि ये लोटा नकली दिया गया था उसे, तो तूफान नहीं सुनामी आ जाती। अरे सुनामी छोड़ो, अगर पकड़े जाते ना तो उसी सुनामी में डूब जाते। लेकिन बचा भी तो लिया। मर गए।